Hey everyone, I am Kia and you are welcome back on our YouTube channel. This is the second video of our keyword series and in today's video we are going to discuss Carnivalesque by Mikhail Bakhtin. मिखेल बक्तिन के जो की टर्म्स है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है कार्निवलिस एंड इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ना सिर्फ इसके ये किसने कॉइन किया है या ये किससे जुड़ा है बल्कि इसके फीचर्स, इसके एग्जाम्पल्स, ये किस बुक से इसकी शुरुआत हुई, इसकी थ्योरी को किस बुक में डेवलप किया गया, इन सभी एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो आज इस शॉर्ट वीडियो में हम लोग सबसे आसान तरीके से इसे समझेंगे. ना सिर्फ ये बल्कि इससे जुड़ा हर एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है हम उसे भी इस वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो कार्निवलिस्ट बाय मिखेल बक्तिन. इसकी शुरुआत जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इट ओरिजिनेटेड इन मिखेल बक्तिन बुक प्रॉब्लम्स ऑफ डॉस्टोवस्कीज पोएटिक्स. ठीक है, तो इस वर्क से, इस बुक में उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी एंड देन इट वॉज फर्दर डेवलप्ड बाई हिम इन रेबेलाइज एंड हिज वर्ल्ड. ठीक है, ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है. आप इन दोनों बुक्स का नाम नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में एंड हो सकता है कि अभी तक देखिए ज्यादातर मैच की फॉलोइंग में पूछा जाता है कि कार्निवलिस्ट तो आपको मिखेल बक्तिन के साथ लगाना है, बट ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ठीक है, तो इसे भी नोट डाउन करना है. अब मिखेल बक्तिन के कार्निवलिस को समझने के पहले हम देख लेते हैं कि कार्निवल का मतलब क्या होता है या इसकी शुरुआत हुई कहाँ से होगी. तो आई एम श्योर आपने कभी ना कभी किसी ना किसी कार्निवल की फोटो देखी ही होगी या आप कभी खुद भी गए होंगे. इंडिया में जो हमारा इंडियन मेला है ये काफी हद तक सिमिलर होता है एक कार्निवल से. कार्निवल में होता क्या है, तो इट इज लाइक अ प्लेस वेयर पीपल आर सेलिब्रेटिंग लाइफ. वहां परेड हो रही है, अलग अलग जगह के लोग डांस कर रहे हैं, अलग अलग रिचुअल्स हो रहे हैं, काफी सारे फेस्टिवल्स हैं. तो एक तरीके से अगर हम देखें तो कार्निवल में लोग जो है वो लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना. अगर हम एक ओवरऑल पर्पस देखें कार्निवल का, तो लोग वहाँ छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखने जाते हैं. जैसे हम भी जब मेला जाते हैं तो पता चला कहीं सर्कस चल रहा है, कहीं रामलीला चल रही है, कहीं नाटक नृत्य मंच कुछ भी चल रहा है ना. ओवरऑल उसका पर्पस क्या है, दैट पीपल आर सेलिब्रेटिंग लाइफ. तो इस चीज को अच्छे से समझिएगा क्योंकि आगे जो भी फीचर होने वाले हैं मिखेल बक्तिन के कार्निवल्स के, वो सभी इस कार्निवल से रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो ये कुछ मैंने फोटोज अटैच की हैं, इससे आपको बेटर समझ में आएगा. जैसे कि कार्निवल तो कहीं पर देखिए झूले चल रहे हैं, बच्चे मौज कर रही हैं, हमारा भारत का मेला हो गया है ना. लोग अपनी अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहन के अपने कल्चर को शो कर रहे हैं, अपने कल्चर पर प्राउड फील कर रहे हैं. तो इस तरीके से जो पूरा कार्निवल है वो होता है. तो इसी से इस टर्म से फिर उन्होंने जो अपना कार्निवलिस्ट का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया एंड उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से वो समझाना चाहते हैं कि एक जो कार्निवल होता है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हम उसे कर सकते हैं वर्क्स के द्वारा. ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक कार्निवलिस्ट वर्क के क्या क्या फीचर्स होते हैं. ऑलराइट एवरीवन, यस. सो सबसे पहले है इन्वर्जन ऑफ हायरार्कीज. सी, एक जो हम समाज में रहते हैं वहां पर एक सिस्टम चल रहा होता है ना, कि किसी को आपने बना दिया कि ये ऊंचे कास्ट ग्रेड के हैं, ये लोअर कास्ट ग्रेड के हैं. ये ह्यूमन मेड सिस्टम है एंड ये आज भी प्रेवेलेंट है, पहले भी चल रहा था. तो ये ट्रेडिशनल सिस्टम हमेशा से चला आ रहा है, राइट. लेकिन जब आप किसी मेले में जाते हैं तो आप देखेंगे वहां कोई हायरार्की नहीं चल रही है. जैसे कि अगर कोई नाटक चल रहा है तो उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस कास्ट ग्रेड का है. अगर वो एक अच्छा एक्टर है, सबसे अच्छा एक्टर है, तो उसे जो रोल है वो मिलेगा ही मिलेगा. तो इस तरीके से, जिस तरीके से जो मेला होता है वहां पर हम देखते हैं कि वहां पर कोई भी कास्ट ग्रेड सिस्टम नहीं चल रहा है. कोई झूला पे बिठाने के पहले ये नहीं पूछता है कि आप किस कास्ट ग्रेड के हैं, राइट. तो हम मेले में क्या देख रहे हैं, वहां पर जो समाज का सिस्टम है वो कंप्लीटली अलग है और कार्निवल में कंप्लीटली डिफरेंट एक सिस्टम है जहां पर एवरीवन इज इक्वल. ठीक है, इसी तरीके से एक कार्निवलिस्ट वर्क का पहला एंड इम्पोर्टेंट फीचर होता है इन्वर्जन ऑफ हायरार्कीज, टेम्पररी ओवरटर्निंग ऑफ ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की एंड नॉर्म्स. ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं कि जिन्हें हम देख रहे हैं कि जो रियल समाज है वहां पर जो लोग बहुत प्रतिष्ठित हैं, ऊंचे हैं, क्या पता वो किसी नाटक में कोई और रोल निभा रहे हो, है ना. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कार्निवलिस्ट वर्क में जो हमें कैरेक्टर्स दिखते हैं उनमें वो
वो चीजें फॉलो नहीं होती हैं जो रियल लाइफ में हम एक सिस्टम बनाकर फॉलो करते हैं। सेकेंड इम्पॉर्टेंट फीचर इज ग्रोटेस्क रियलिज्म। इसमें आपको काफी एसेंट्रिक लैंग्वेज देखने को मिलेगी। इट एम्फसाइजेस ऑन बॉडी एंड बॉडीली फंक्शंस। अधिकतर आपको कुछ अगली या कुछ वियर्ड से सीक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तो ये भी एक फीचर है कार्निवलिस वर्क का। देन फ्री एंड ओपन इंटरेक्शन, जस्ट लाइक वी डू इन अ मेला। जब हम किसी से मिलते हैं तो खुशी से मिलते हैं, बात करते हैं तो खुशी से करते हैं। वी सेलिब्रेट लाइफ, वी ब्रेक डाउन दी बैरियर बिटवीन पीपल जो उन्होंने समाज में बनाकर रखे हैं, है ना। ऐसे ही कार्निवलिस्क वर्क में भी हम देखते हैं दैट इट ट्राइज टू ब्रेक डाउन दी बैरियर बिटवीन पीपल एंड इट एनकरेजेस फ्री एक्सप्रेशन एंड इंटरेक्शन। ओके, देन कम्स आर नेक्स्ट फीचर एंड इट इज सबवर्जन एंड लिबरेशन। कार्निवलिस्ट वर्क में होता क्या है, हम उसे क्यों पढ़ते हैं या क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये हमें एक अलग स्पेस प्रोवाइड करता है जहां पर हम अपने जो सप्रेस्ड डिजायर हैं, जो शायद समाज में भी हम नहीं दिखा सकते, बिकॉज उन्होंने ये सिस्टम ऐसा बनाया हुआ आप चाहकर भी कुछ चीजों के प्रति बोल नहीं सकते। पर एक कार्निवलिस्ट वर्क में आप अपनी एक अलग दुनिया क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां पर सब कोई सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाइफ सब इक्वल है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो किसी को नीचा दिखाता है और किसी को बहुत महान दिखाता है ना। तो इस तरीके से ये एक हमें स्पेस प्रोवाइड करता है टू एक्सप्रेस आर सप्रेस्ड डिजायर्स एंड इट ऑल्सो क्रिटिक्स दी अथॉरिटीज। देन प्लेफुलनेस एंड ह्यूमर, ये एक बहुत ही कॉमन फीचर है कार्निवलिस्ट वर्क्स का, दैट इट यूजेस ह्यूमर, सटायर एंड ऑब्वियसली पैरोडी टू अंडरमाइन एस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, जो समाज में हमेशा से पुराने रीति रिवाज बना रखे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है और जिन्हें चेंज हो जाना चाहिए। उन सभी का पैरोडी, सटायर और ह्यूमर का यूज करके उन्हें बताने की कोशिश की जाती है कि आप कहाँ गलत जा रहे हैं एंड किन चीजों पर, किन जगहों पर चेंजेस की जरूरत है। ठीक है, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव दिस इम्पोर्टेंट फीचर नॉन लीनियर प्लॉट। जैसे कि आप कोई अदर वर्क, कोई भी वर्क पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक एक सबसे पहले स्टार्टिंग दिखती है ना, फिर उसका हम देखते हैं कि राइज ऑफ एक्शन होता है, फिर उसकी एंडिंग होती है, क्लाइमेक्स होता है। इस तरीके से कार्निवलिस्ट वर्क में नहीं है, यहाँ पर एक नॉन लीनियर प्लॉट हमें देखने को मिलता है। नॉन लीनियर प्लॉट का मतलब है कि जरूरी नहीं है एक ट्रेडिशनल सीक्वेंस फॉलो हो रहा हो। सो ओवरऑल कार्निवलिस्ट वर्क, इट इज द सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम, लाइफ एंड इक्वालिटी, जस्ट लाइक वी डू इन अ कार्निवल। ओके, अभी हम देखेंगे कार्निवलिस्ट वर्क्स के फेमस एग्जाम्पल्स फ्रॉम आर इंग्लिश लिटरेचर। द फर्स्ट वन इज शेक्सपियर्स 12th Night। शेक्सपियर के 12th Night में हम देखते हैं दैट इट इंक्लूड्स जेंडर रोल रिवर्सल्स एंड द सबवर्जन ऑफ सोशल हायरार्कीज। तो किस तरीके से विलियम शेक्सपियर ने उस वक्त अपने इस वर्क को लिख के दिखाया कि कैसे जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं, जैसे कि आपने जो वर्क है विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें उसमें भी देखा कि किस तरीके से जो उसकी फीमेल लीड रहती है, शी शी डिस्गाइजेस हरसेल्फ एज दी लॉयर, राइट। सो वहां पर भी हम देखते हैं ना दैट जेंडर रोल रिवर्स हो रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हम इस वर्क में देखते हैं। एंड इस तरीके से एक उन्होंने एस्केप ढूंढा है उस वर्क में, वो चीजें दिखा रहे हैं जो शायद रियल लाइफ में या उस वक्त पर चीजें अलाउड नहीं। सोशल हायरार्कीज का क्रिटिसिज्म भी हमको देखने को मिलता है। देन वी हैव चॉसर्स कैंटरबरी टेल्स। इस एक वर्क में हम उस वक्त के जितने भी सोशल बैकग्राउंड्स हैं उनको देखते हैं, उस वक्त की जो लाइफ थी, लोग थे, उनको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सो इट हैज कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स एंड इट मॉक्स सोसाइटल नॉर्म्स। अगर हम उनकी हर एक स्टोरी को देखें जो जो कैंटरबरी टेल्स में बताई गई है, तो हम देखेंगे कि हर स्टोरी किसी एक मुद्दे को उठा रही है जो कि उस वक्त के सोसाइटल नॉर्म्स का क्रिटिक है, या हमें उस वक्त के सोसाइटी की सोच और उनके विचारों के बारे में पता चलता है। देन वी हैव लेविस कैरोल्स एलिस इन वंडरलैंड। वंडरलैंड इन्वर्ट्स रियालिटी विद नॉन सेंसिकल रूल्स एंड एब्सर्ड अथॉरिटी फिगर्स। ये वही वाला हमारा पॉइंट है जो हमने देखा था ना, ग्रोटेस्क, इसेंट्रिक,
लैंग्वेज, ये पूरा हमने जो पॉइंट देखा था, ये हमें इस पर्टिकुलर वर्क में देखने को मिलता है. सो ओवरऑल वी कैन से दैट द कार्निवल इज चैलेंजेस एंड क्रिटिक्स सोशल नॉर्म्स एंड पावर स्ट्रक्चर्स. इट ऑफर्स अ स्पेस फॉर लिबरेशन, जहां पर हम खुल के अपनी डिजायर्स को, अपने आइडियाज, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं. थ्रू ह्यूमर एंड chaos, इट रिवील्स द कंस्ट्रक्टेड नेचर ऑफ सोशल hierarchies एंड norms. एंड इन द एंड इट also सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज एंड renewal. ठीक है, सो दिस was ऑल अबाउट कार्निवलिस्ट बाय Mikhail Bakhtin. अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर दैट आर CUET PG इंग्लिश बैच इज लाइव. इट इंक्लूड्स फुल सिलेबस कंप्लीशन, लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियो, नोट्स, वीकली टेस्ट, रिवीजन, ई-बुक, मॉक टेस्ट बुकलेट, CUET PG काउंसलिंग. सो इफ यू नो समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम, देन प्लीज डू रेफर. उन्हें बताएं कि हमारा कोर्स है एंड वी आर प्रोवाइडिंग सो मच एंड ऑल्सो क्वालिटी कॉन्टेंट. जो बच्चे इस कोर्स को ले चुके हैं, आप उनसे रिव्यूज ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हम हर काम कितना टाइम टू टाइम कर रहे हैं. एक भी चीज में डिले नहीं होता है, क्लास हमेशा टाइम पे शुरू एंड बिल्कुल टाइम पर खत्म होती है. हर चीज बहुत सिस्टमैटिक एंड आई कैन अश्योर बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज वे में हो रही है. तो अगर किसी भी कोई भी इंसान है जो प्रिपरेशन कर रहा है, एंड इफ यू कैन जस्ट सजेस्ट, देन प्लीज डू सजेस्ट आवर कोर्स. Thank you very much. If you want to buy the course or if you are suggesting someone, so this is the contact number on which you can contact to purchase the CUET PG English Literature course. And also comment section में मुझे बताएं कि अगला कौन सा term है, कौन सा वो keyword है जो आप हमसे पढ़ना चाहते हैं या जिसे आप आसान भाषा में, सरल शब्दों में समझना चाहते हैं. Thank you very much. हम अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे. Bye bye.